फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने मेरे पिछले वीडियो मैंने आज सुबह के वीडियो में आपको अपडेट दिया था कि SSLC एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो या तो 9 तारीख को आएगा या 10 तारीख को आएगा, मगर अब जो है ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, ऑफिशियली डेट अनाउंस हो चुका है। SSLC कर्नाटका एग्जामिनेशन बोर्ड का जो रिज़ल्ट है वो कल यानी 9 मई 2024 को आएगा। तो अभी अभी जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है कि कल सुबह यानी जुमेरात सुबह 10:30 बजे के बाद आप ऑफिशियल वेबसाइट karrezults.nic.in में अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपका सफ़र ख़त्म हो गया है, आप जल्द अज्द तैयार हो जाएं। कल आपका रिज़ल्ट है 9 मई 2024 को सुबह 10:30 बजे, आप ऑफिशियल वेबसाइट karrezults.nic.in में आप अपना रिज़ल्ट देख लें। और आपको रिज़ल्ट किस तरह से देखना है उसका प्रोसीजर मैं आपको आपके सामने दिखा रहा हूँ, इस स्टेप्स को फॉलो करें और अपना रिज़ल्ट देखें। तो फ्रेंड्स, रिज़ल्ट देखने के लिए सबसे पहले किसी भी वेब ब्राउज़र में जाकर karrezults.nic.in टाइप करें, उसमें पहला वाला जो लिंक है कर्नाटका एग्जामिनेशन रिजल्ट 2024 उसे क्लिक करें। उसके बाद कुछ इस तरह से एक नया इंटरफेस ओपन होगा, वहाँ पर ऑलरेडी PUC फर्स्ट एग्ज़ाम का रिज़ल्ट वहाँ पर है, तो आपको SSLC का रिज़ल्ट जो है इसके नीचे या ऊपर आएगा। यहाँ पर कर्नाटका स्कूल एग्जामिनेशन असेसमेंट बोर्ड जो लिखा गया है, ऊपर जो है कर्नाटका सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन बोर्ड रहेगा और इधर जो है SSLC एग्जामिनेशन रिज़ल्ट 2024 रहेगा। तो आपको उस लिंक पर क्लिक करना है। याद रहे कि SSLC रिज़ल्ट का लिंक या तो इस लिंक के ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा। तो जब आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करें यानी कर्नाटका सेकेंडरी PUC रिज़ल्ट के नीचे जो बॉक्स आएगा या ऊपर आएगा SSLC रिज़ल्ट का, तो उसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना SSLC का रजिस्टर नंबर एंटर करना है फर्स्ट बॉक्स में, और नीचे जो है उसके साथ आपको आपका डेट ऑफ बर्थ या कोई और डिटेल्स। कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ आपका रिज़ल्ट देखने के लिए आपको अपना रजिस्टर नंबर डालना होता है, मगर कई बार रजिस्टर नंबर के साथ आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना होता है। और जिस तरह से वहाँ पर आपको इंटीमेट किया जाएगा उस तरह से आप वहाँ पर एंटर कर लें। सो इसके बाद सबमिट कर लें तो आपका रिज़ल्ट आपके सामने होगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा है कि आप किस तरह से SSLC रिज़ल्ट देखना है, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।